स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे मैं जो हूँ अपने फाइल और फोल्डर का व्यू जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बेसिकली व्यू चेंज करना है अपने फाइल और फोल्डर का तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक फोल्डर है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब बेसिकली यहाँ व्यू का क्या मतलब है, व्यू का मतलब ये होता है कि जो मेरे फाइल या फोल्डर मुझे दिखाई किस तरीके से देंगे, तो उसको हम कहते हैं व्यू। तो अब विंडोज 7 में आप बेसिकली व्यू को अपनी अपनी अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। अभी अगर मैं मुझे अगर चेंज करना हो व्यू, तो मैं ऊपर जाऊंगा व्यू टैप पे क्लिक। ऑलरेडी मेरा व्यू टैप सिलेक्टेड है, अगर ना हो तो मैं जो व्यू पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर अब मुझे जो है इसके अंदर अगर इसका व्यू चेंज करा, आप देखेंगे यहाँ पर मीडियम आइकन सिलेक्टेड है, इसका मतलब जो व्यू सेट जो है इसका मीडियम आइकन पे है। अगर मीडियम से मैं इसको लार्ज पे जाऊँगा, अब देखेंगे कि नीचे जो आइकन्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज पे जाता हूँ तो ये साइज़ और बड़ा हो गया, और इसके बाद मैं जाता हूँ स्मॉल पे, अब देखेंगे छोटा हो गया। तो बेसिकली हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम आइकन्स का साइज़ क्या रखना है वो हम इसके थ्रू चूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं आपकी लिस्ट के ऊपर। अब लिस्ट में जो हमारे आइकन्स होंगे वो एक लिस्ट के अंदर हमें शो होंगे। अगर मैं डिटेल में आता हूँ तो वो जो आइकन्स जो होंगे डिटेल के साथ शो होंगे, उसके सामने उनके डेट भी दी होगी, टाइप भी दिया होगा, साइज़ भी दी होगी और वीडियो की लेंथ भी दी होगी। उसके बाद हम जो आएंगे कंटेंट के ऊपर। अब इसके अंदर कंटेंट में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो है और जो है चेंज हो गई। अब यहाँ पर मुझे वो फ्रेम हाइट भी बता रहा है, फ्रेम विड्थ भी बता रहा है, किस डेट को मॉडिफाई हुआ था, साइज़ क्या है, इट इज़ गिविंग मी ऑल अदर इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली में ऑप्शन हैं, हम वो जैसे जाएंगे इट विल स्टार्ट गिविंग मी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। फिर आखिर में हम आते हैं टाइल। अगर हम टाइल चूज़ करते हैं तो हमें हमारा जो व्यू है वो इस तरीके से दिखा देगा। तो बेसिकली दीज आर दी वेज थ्रू विच हम जो हैं अपने फोल्डर का एक तरह से जो व्यू है, फोल्डर और फाइल्स का जो व्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कि मैं कैसे अपने फाइल्स और फोल्डर को डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं पहले एक फोल्डर है वो खोलूँगा, जिसे मेरा ये फोल्डर खुला हुआ है। अब इसमें मुझे इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, उसको मैं आऊँगा ग्रुप बाय के ऊपर आऊँगा, और फिर मैं यहाँ पर नेम पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेम पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे 0 to 9 में तो ये नंबर्स आ गए और A to H में ये फाइल्स आ गई। तो उसने बेसिकली उसको नेम के हिसाब से डिवाइड करके जो नंबर्स में थे उसने ऊपर नंबर की हेडिंग बना दी और यहाँ पर उसने अल्फाबेट्स की हेडिंग बना दी। इसी तरह अगर मैं फिर से राइट माउस बटन पर ग्रुप बाय करूँ और मैं कर दूँ डेट, तो अब अभी क्या करेगा कि ये जो है डेट के हिसाब से इसको अरेंज कर देगा। टुडे जो आज मैंने बेसिकली बनाए हैं, फाइल्स बनी हैं उसे आज के हिसाब से, फिर कल के हिसाब से, और जो भी और पुराना है वो उसने और डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं अगर राइट माउस बटन क्लिक करूँ, ग्रुप फाइल पर फिर से आऊँ, अब मैं बेसिकली इसके अंदर जो चूज़ करूँगा, मैं करूँगा टाइप, तो जो है ये डिफरेंट टाइप के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट उसे ऊपर कर दिया, जो म्यूज़िक की जो बेसिकली वीडियो फाइल्स हैं उसको अलग उसमें कर दिया, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को उसने एक अलग कैटेगरी में कर दिया। उसको अगेन अगर हम फिर से जाएँ ग्रुप बाय के अंदर, तो ये बेसिकली साइज़ के हिसाब से इसने करा है बेसिकली इसे अरेंज। और उसके बाद हम फिर से अगर जाएँ तो हम लेंथ पे करेंगे, तो उसने जो भी लेंथ है इसकी उसके हिसाब से कि जो भी वीडियोस आपके शॉर्ट लेंथ के हैं वो पहले, जो ज़्यादा लेंथ के हैं वो बाद में, उस तरह उसने करें अरेंज बेसिकली। और ये शॉर्ट वीडियोस हैं, ये मीडियम वीडियोस हैं, उसने उसको यहाँ पर उसने अनस्पेसिफाइड कर दिया, बिकॉज एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको मैं किस कैटेगरी में रखूँ, इसलिए उसने उसको ले लिख दिया अनस्पेसिफाइड बेसिकली। तो यही आपके बेसिकली तरीके हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली ग्रुप बाय ऑप्शन के थ्रू हम अपने फोल्डर्स या फाइल्स जो हैं उसको जो है हम अरेंज कर सकते हैं। आखिर में अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जाके नन पे क्लिक कर सकता हूँ, तो ये लौट के जो भी इसकी नॉर्मल पोजीशन है उस पर आ जाएगा बेसिकली। तो ये तरीका था ग्रुप बाय यूज़ करने का। ओके, उसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरीज इन विंडोज 7 बेसिकली। विंडोज 7 में एक फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद लाइब्रेरीज, और वो जो लाइब्रेरीज हैं उसमें बेसिकली चार कैटेगरीज में हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोज। ये लाइब्रेरीज बेसिकली दी इसलिए गई हैं कि हम अपने डेटा को बेहतर मैनेज कर सकें, वी कैन बेसिकली हम उसे सेग्रीगेट कर सकें अंडर डिफरेंट कैटेगरीज।
तो मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हूँ आई कैन हैव माय डॉक्यूमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, और मैं जो हूँ अपनी म्यूज़िक जो है वो सारी म्यूज़िक जो है मैं अगर एक्सेस करनी है तो वो म्यूज़िक लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर्स जो है वो एक्सेस करनी है तो मैं पिक्चर लाइब्रेरी के थ्रू वो सारी एक्सेस कर सकता हूँ, या मुझे अगर वीडियोज़ एक्सेस करने हैं तो मैं जो हूँ वीडियो लाइब्रेरी के थ्रू सारे वीडियोज़ एक्सेस कर सकता हूँ। इससे बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये है कि मेरा जो कुछ भी डेटा है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर में हो जाता है, और अगर नेक्स्ट टाइम मुझे बेसिकली उसको एक्सेस करना पड़े तो वो मेरे लिए बेसिकली इजी होगा। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर टू, और अब जो है आई वुड वॉन्ट के आप जो है इस वीडियो को देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।